बलराज कुंडू का स्टाइल निराला, शेर अकेला ही चलता है। ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म थोड़ी ना हुई है। ये तो छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने, बड़े घपले तो मैं भी और लेके आऊंगा अगले हफ्ते, भी एविडेंस आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में। वो कौन होता है जवाब लेने वाला? वो मेरा अपना बिजनेस है, मैं उसमें किसी की बाप की पनौती थोड़ी ना। जो चेयरमैन ही, जो चेयरमैन ही आपको चाहिए वो बता दो, वो चेयरमैन बना देते हैं आप। मैंने कहा चेयरमैन ही तो मैं छोड़ के आया हूँ, मैंने कभी किसी के नीचे लगना नहीं सीखा। मैं चुनौती देता हूँ, मेरे सामने बैठ के मेरी एक भी बात का अगर जवाब दे देगा तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊंगा। तो जांच की तो बात की बात है, मेरे सामने बैठा के दो बातों का जवाब दे दो, मैं आज ही उसके सामने डिबेट पर बैठने को तैयार हूँ। जो लोगों का खून पसीने कमाई उसने चूसने का लूटने का काम किया है, उस आदमी ने उन गरीब आदमियों की गरीबी का फायदा उठाकर, उनको पैसे देकर, उनको दारू पिलाकर, उनसे टकराव कराने का काम किया और उसमें हमारे 30 बच्चों की जान गई। ये काम वैसे तो इन विपक्ष के लोगों का बनता था जो यहाँ अपने आप को नेता बोलते हैं और यहाँ का जो दायित्व करते हैं, लेकिन चोर हैं सभी अधिकारी। उसने अपने जो उसके चारों तरफ घूमने वाले उन अधिकारियों को जो उसके चमचागिरी करते हैं, मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके, उनको पूरे तथ्य ना बताकर, जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने ये खेल खेलने का काम किया है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो ईमानदार जिसको सब मानते हैं उनकी आंखों में किस प्रकार धूल झोंक कर इस आदमी ने इतना बड़ा अंधेर गर्दी करके जो ना किस प्रकार से एक बड़ी लूट मचाने का काम किया है। वो चोर, इतना बड़ा चोर मेरा मुकाबला करेगा? वो अपने आप को पूरे रोहतक जिले का ठेकेदार बताता था, अपने आप को रोहतक का मुख्यमंत्री बताता था। MLA बन गया अब तो, मैं बन गया ना MLA, मैं 10 बसें और लेके आ रहा हूँ इस साल में, पूरे मैं मेरे रोहतक जिले के अंदर चलाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे प्रदेश का टारगेट होगा मेरा। हुड्डा साहब को मैं नेता ही नहीं मानता, मेरे खानदान में किसी ने आज तक ना कांग्रेस की वोट दी ना आगे कोई दे। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ। हरियाणा न्यूज 24, आप सभी का स्वागत है। मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ हम मौजूद हैं महम विधानसभा क्षेत्र में, और हमारे साथ उपस्थित हैं बलराज कुंडू जो हरियाणा में काफ़ी फेमस हैं, और शहीद भगत सिंह के ग्रुप से आते हैं ये, काफ़ी गर्म दल के नेता हैं और जो बोलते हैं सच्ची बोलते हैं और बेबाक बोलते हैं और अच्छे खासे चहेते हैं लोगों के। तो कुंडू साहब, हरियाणा न्यूज 24 आपका बहुत बहुत स्वागत। धन्यवाद लांबा साहब। कुंडू साहब जी, मनीष ग्रोवर ने कई बातें टिप्पणी की है आज, तो उन बातों का सबसे पहले हम जानना चाहेंगे। उन्होंने बोला है कि आपके पास 700 करोड़ की संपत्ति कहां से आई, पहले कुंडू ये बताई। तो साहब इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? दूसरा मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, वो मैंने जो उसे सवाल किए, मैं तो अभी कोई सरकारी पद पे उस पर नहीं रहा हूँ, मैं तो एज ए जिला परिषद रहा हूँ, वहाँ पे ना मैंने गाड़ी घोड़ा यूज़ किया, ना मैंने कोई तनख्वाह यूज़ की, ना 5 पैसे कभी किसी प्रकार का भी सरकारी लाभ नहीं लिया। वो शख्स मेरे से सवाल करता है। रही बात मेरी संपत्ति की, तो किसने कहा मेरे पास संपत्ति? मेरी जो संपत्ति है मैंने ठोक के जो है ना मेरे नामांकन पत्र में उसमें उसको पूरा दर्शाया हुआ कितनी संपत्ति है मेरे, मेरी पत्नी के पास, मेरे पास कितनी संपत्ति है, मैंने पूरी तरह, मैंने चोरी नहीं की, अपने दावे के साथ पूरे उसके डॉक्यूमेंट एविडेंस के साथ उसको प्रूफ की लगा रखी है। रही बात मैंने जो, मैं सरकारी काम करता हूँ, कोई चोरी कारी नहीं करता उसकी तरह, तो चोरी का धंधा नहीं है मेरा। मेरे जो इन हैंड वर्क है, मेरे बिजनेस की बात करी थी मैंने, जिस भी वो बात कर रहा है, और वो बड़े स्टेज से की थी, कोई चोरी से नहीं की थी। आज मेरा बिजनेस, मेरे पास जो मेरा बिजनेस चल रहा हूँ, सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं मेरे पास, सारे सरकारी काम कर रहा हूँ। वो कौन होता है जवाब लेने वाला? वो मेरा अपना बिजनेस है, मैं उसमें किसी की बाप की पनौती थोड़ी ना है, किसी लोगों की मैंने चोरी थोड़ी ना की, वो तो डंके मेरा बिजनेस है, उसको मैं करता हूँ। मैं जो उस आदमी से पूछना चाहता हूँ, मेरे सामने बैठ के पूछे ना, मैं चुनौती देता हूँ, मेरे सामने बैठ के मेरी एक भी बात का अगर जवाब दे देगा तो मैं राजनीति छोड़ के चला जाऊँगा। जो लोगों का खून पसीने कमाई उसने चूसने का लूटने का काम किया है, मैंने उसके बारे में सवाल उठाए हैं। मेरे को जनता ने दायित्व दिया है, मैं रोहतक शहर का नागरिक हूँ, जहाँ उसने गदर उचा कर जिस प्रकार से उसने लूटने का काम करता रहा है, अपने उस प्रभाव का, अपने मंत्री पद का दुरुपयोग करके, और जिस प्रकार उसने अपने लाभ के लिए, राजनीतिक लाभ के लिए यहाँ पे जो भाईचारा खराब करने का जो हमारा, मैं पूछना चाहता हूँ, हमारा उन मेरी कौम का, उनका जो मरने वाले थे उनका कोई दुश्मनी नहीं थी। उस आदमी ने उन गरीब आदमियों की गरीबी का फायदा उठाकर, उनको पैसे देकर, उनको दारू पिलाकर, उनसे टकराव कराने का काम किया और उसमें हमारे 30 बच्चों की जान गई।
मैं दावे के साथ, मैंने आज नहीं पहली बार उठा रहा हूं मैं बात, आप याद कीजिए आज से 4 साल पहले जिस टाइम ये दंगा फसाद हुआ था, जो दुर्भाग्य जिस टाइम मेरा हरियाणा प्रदेश जल रहा था, उस टाइम भी बलराज कुंडू ने सेम बातें कहकर उठाने का काम किया था। लेकिन उस टाइम मेरी बात आज जिस प्रकार से हाईलाइट हुई है, मेरी बातें उस टाइम दबा दी गई थी क्योंकि मैं एक छोटा सा उस लेवल पे था, मेरी बातों को तवज्जो ना मीडिया ने दी ना किसी और नेताओं ने दी। आज मैं, मेरे को इस काबिल बनाकर, मैं लोगों की आवाज़ बनकर विधानसभा का मेंबर सदस्य होने के नाते मैंने इस बात को दोबारा से उठाया है और मैं जिस बात को बार बार उठाता रहूँगा जब तक इसके प्रति सरकार को न्याय नहीं करेगी। उस आदमी के खिलाफ SIT गठित करके प्रकाश सिंह की रिपोर्ट भी वो दबा दी गई, क्योंकि उस आदमी का मैं दावा करता हूँ प्रकाश सिंह की उस रिपोर्ट के अंदर उस आदमी का नाम पूरी दृढ़ता के साथ में वो एक दोषी करार दिया गया उस रिपोर्ट में। और आज भी मेरी ये डिमांड है, ये काम वैसे तो इन विपक्ष के लोगों का बनता था जो यहाँ अपने आप को नेता बोलते हैं और यहाँ का जो दायित्व करते हैं, लेकिन किसी के अंदर सारे चोर हैं, लेकिन बलराज कुंडू चोर नहीं है। मैं जनता की आवाज़ और जनसेवक बनकर इस राजनीति क्षेत्र में आया हूँ, इसलिए हर आवाज़ को, हर भ्रष्टाचार को, हर गलत बात को उठाना अपना नैतिक धर्म और फर्ज समझता हूँ और इसको इसी प्रकार से उठाता रहूँगा। कुंडू साहब, उन्होंने बोला है जी 40 मिनट की प्रेस वार्ता की आपने, जी 40 मिनट की प्रेस वार्ता में कोई सार नहीं निकला। उन्होंने कहा मुझ पर आरोप लगाने के बजाय 2 महीने हो गए उनको विधायक बने, महम की जनता के बारे में सोचे, मुझ पर की टीका टिप्पणी और दूसरे में कमी निकालने के बजाय, क्या कहेंगे? महम की जनता का चिंता करने की उसको जरूरत नहीं, महम की जनता की चिंता करने वाला उनका विधायक, उनका सेवक, उनका वकील आ गया है, वो चिंता मैं करूँगा। मैं जो बात उस बात को घुमा ना कर, मैं उससे पूछना चाहता हूँ, वो बड़े बड़े अपने भाषणों में स्पीच देता था कि मैंने यहाँ मास्टिक की रोड बिछवा दी, मैं आपकी संज्ञान में लाना चाहता हूँ, मेरे पास एविडेंस सब कुछ हैं। मैंने 1 महीना पहले PWD डिपार्टमेंट विभाग में चिट्ठी लिखकर ये पूछा, लेटर मंगवा रखा है मेरे नाम से डिपार्टमेंट में, अगर ये जो मास्टिक है ये आम रोडों पर हो ही नहीं सकती, और ये सिर्फ पुल के ऊपर या गोल राउंड जहाँ टायर का प्रेशर ज़्यादा पड़ता है ये आइटम वही किया जाता है। और दूसरी बात, मैं उसमें भी आपको लेना चाहता हूँ, इन्होंने करवा लिया गोहाना के अंदर, उसी आइटम का रेट 650 रुपये है, सोनीपत के अंदर 1150 रुपये है, रोहतक के अंदर 1000 के करीब है, और जिसका बेसिक जो रेट बनता है वो 455 रुपये में वो आइटम बैक टू बैक आके ठेकेदार को, यानी कितना बड़ा चूना। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं, जो आम रोड बनती हैं उसमें 30 mm, ये तो मात्र 25 mm, और 25 के अगेंस्ट भी 18 mm वहां मौके पे हैं। मैं कल प्रेस में मीडिया को ले जाकर उसकी थिकनेस भी चेक करवाने वाला हूं। ये क्यों है? क्योंकि यहां उसके सामने कोई बोलने वाला नहीं, सभी अधिकारी उन्होंने अपने जो उसके चारों तरफ घूमने वाले उन अधिकारियों को जो उसके चमचागिरी करते हैं अपने ट्रांसफर के चक्रों में जो यहाँ पे बैठे हुए हैं उनको यहाँ पे लगा रखा है, उसमें किसी की भी हिम्मत नहीं वहाँ जो आवाज़ उठा सकें। वो यहाँ के कई ठेकेदारों 3-4 कंपनी के नाम से उसने काम ले रखे, उसमें सब में उसका हिस्सा, उसका बेटा ये काम करता है और उन्होंने लूटने का काम किया है। और ये काम डबल रेट में लेकर उन्होंने काम किया है। मेरे पास ये सारी चीज़ों के मुझे भी मेरे से पूछने की जरूरत नहीं, ये जो मैं बातें बोल रहा हूँ ये आप विभाग से जाकर पूछिए ना, विभाग से सवाल कीजिए, विभाग से इस बात के डॉक्यूमेंट मांगिए। मैं तो ऐसी बात बोल रहा हूँ जिसके लिए कोई डॉक्यूमेंट एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। यहाँ जो मॉल है उस मॉल को ऐसी, जो पहली बात तो कंपनी जो दिवालिया कंपनी हो चुकी है वो PPP मोड में एप्लीकेबल ही नहीं होती। PPP मोड का मतलब होता है अपने घर से पैसा लगाकर किसी चीज़ को करना। जो दिवालिया कंपनी है ऑलरेडी, जिसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लेंगे, बैंक की करप्ट कंपनी है, उस कंपनी को ठेका दिलवाया गया और उस कंपनी से ये काम, ये टेंडर आज से ओपन ऑक्शन के अंदर, पहले हुड्डा डिपार्टमेंट ने ये 2014 में चुनाव से करीबन 6 महीने पहले इसकी ओपन ऑक्शन हुई थी और ओपन ऑक्शन में ये मॉल और पार्किंग दोनों चीज बननी थी उसके अंदर। इसका सिर्फ मॉड्यूल चेंज करके, इसका नाम चेंज करके ये घपलार चूना लगा के 31,21,00,000 रुपए में ओपन ऑक्शन के अंदर गई थी ये हुड्डा डिपार्टमेंट, और जिसने खरीदी उसके 10% सिक्योरिटी 1 साल तक जमा रही। उसका अलॉटमेंट लेटर जब इशू हुआ उस दिन रुकवा के, और मैं पर्सनली मिला था मुख्यमंत्री जी से भी इस बारे में, उन्होंने कहा यहाँ बलराज वो बनाएंगे पार्किंग,
और इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। पार्किंग शहर की ज़रूरत है, मैंने कहा ठीक है साहब पार्किंग वाकई में मैं मानता हूँ पार्किंग शहर की ज़रूरत है, लेकिन मुख्यमंत्री जी को गुमराह करके उनको पूरे तथ्य ना बताकर जिस प्रकार से माननीय मंत्री महोदय ने ये खेल खेलने का काम किया है कि वो हुड्डा से उसको ट्रांसफ़र कराया यूएलबी लोकल बॉडी के अंदर, और लोकल बॉडी में अपने यहाँ जो उनके चमचे जो उन्होंने यहाँ अपने जो इर्द गिर्द घूमने वाले जो उसके यस मैन अधिकारी लगा उनसे उसको टेंडर को करवाया, और तीन एजेंसियाँ आई थी, दो एजेंसी के टेंडर रिजेक्ट करवा दिए और सिंगल टेंडर को अप्रूव कराने का मुख्यमंत्री की कमेटी में अप्रूव करवाया हुआ है। वहाँ दो तीन बार वापिस आया लेकिन इसने अपने प्रभाव का अपने पद का दुरुपयोग करते हुए उसको वो किया, और पहले जो था उसमें भी तीन मंजिल चार मंजिल पार्किंग बननी थी, फ्री में वो पार्किंग देनी थी, उसका कोई मोल भाव नहीं लेना था जो हुड्डा के टाइम पे टेंडर हुआ था। आज भी वही है, सेम चीज़ है, पहले वो दुकानें अंदर मॉल की तरह थी बाहर कोई डिस्टर्बेंस ना हो, अब वही दुकानें बाहर खोल दी गई हैं जिसे बाहर खोलने से उनके रेट चार गुना से बढ़ गए रेट, और उसको वो करने कर उसको वो लेने का काम किया, इतना बड़ा चूना लगाने का काम किया है। तीसरी बात मैं उनको उसका पेरेंटल बिजनेस है शीरे का व्यापारी है वो, आप जाके देखिए ना, मुझसे एविडेंस की जरूरत ही नहीं है। आज से 6 साल पहले शीरा किस रेट में बिकता था और आज इस 5 साल के अंदर शीरा किस भाव में खरीदा जा रहा है, क्या प्रक्रिया अडोप्ट की है उसको परचेज करने की, सरेआम दानली। और मैं आपको, मुझे बड़ा दुख है इस बात का कि मुझे जब से ये परसों आने के बाद मेरे पास इतने एविडेंस आ गए हैं, लोग अब अपने आप को यमुनानगर से भेज रहा है, कोई करनाल मिल से भेज रहा है, यमुनानगर से भेज रहा है, सिरसा से भेज रहा है, उधर पलवल से भेज रहा है, मेरे पास अपने आप लोगों ने इतने एविडेंस मेरे पास भेजने लग रहे हैं, जींद से भेज रहे हैं, हर जगह से। उन्होंने तीन तीन साल ढाई ढाई साल पहले सीएम विंडो पे सब जगह इसकी कंप्लेंटें कर रखी है, किसी की कोई सुनवाई नहीं हुई, कितना बड़ा अंधेर करते हैं, कहाँ का लोकतंत्र की बात करते हैं। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि ऐसे मुख्यमंत्री जो ईमानदार जिसको सब मानते हैं उनकी आंखों में किस प्रकार धूल झोंक कर इस आदमी ने इतना बड़ा अंधेर गर्दी करके जो ना किस प्रकार से एक बड़ी लूट मचाने का काम किया है। आज वो मेरे से सवाल करता है, वो चोर इतना बड़ा चोर मेरा मुकाबला करेगा, वो मैं तो जनता की सेवा के लिए आया हूँ, डंके की चोट पे मैंने अपनी प्रॉपर्टी और अपना सब कुछ उसमें उसकी घोषणा की हुई है, और जो भी काम करता हूँ वो सरकारी काम करता हूँ, पक्के का काम करता हूँ, दो नंबर का काम नहीं करता। उसकी तरह मेरा जो है ना बैग भर भर के ऊषा साड़ी वाला अम्बाड़ा में उसके यहाँ नहीं जाते रहे मेरे बैग, मेरा जो यमुनानगर में जो शीरा खरीदने वाला है उसके यहाँ बैग भर भर के नहीं जाते रहे, जिसको उठाने में भी तकलीफ हो, दो दो आदमी उठा के ले जाते थे उषा साड़ी अम्बाड़ा में, वो मेरे से सवाल पूछता है जिसने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खरीद रखी हैं, जिसकी औकात जो है ना एक गज प्लॉट लेने की नहीं थी, आज उसने वहां पे बालगढ़ में बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां खरीद रखी हैं, डोब के अंदर जो है ना यहाँ बड़े बड़े मेन रोड के जमीनें खरीद रखी हैं, मुझे मालूम नहीं क्या आज मेरे पास इतना अपने आप लोग लेके आ रहे हैं, किस प्रकार के फ्रॉड उस आदमी ने किए हुए हैं वो मेरे से पूछता है। कुंडू साहब मेरे को तो बड़ा दुख है इस बात का कि ऐसे शख्स को रोहतक का इतना बड़ा दायित्व, तो वो रोहतक को सबसे बड़ा अपने आप को पूरे रोहतक जिले का ठेकेदार बताता था, अपने आप को रोहतक का मुख्यमंत्री बताता था, किस प्रकार से ऐसे शख्स पर ऐसे ईमानदार मुख्यमंत्री ने आंखें बंद करके भरोसा कर रखा था, ऐसी क्या गुट्टी पिला रखी थी उस आदमी ने आज तक मुख्यमंत्री को। मुझे बड़ा आश्चर्य है, माननीय मनोहर लाल खट्टर जी को तो मैं बहुत ही सुलझा हुआ और पढ़ा लिखा जो कई भाषाओं के ज्ञाता हैं, खट्टर साहब ऐसा तो नहीं है मुख्यमंत्री को पता ना हो, पता जरूर होगा, उनके आईटी सेल है, उनके सिक्योरिटी है, उनकी चार चार टीमें बना रखी उन्होंने। मुझे ये लगता है कि इस टाइप की मंडली ने मुख्यमंत्री जी को चारों तरफ से घोलकर ऐसे एक उस जाल में फंसा रखा है जिससे उनको इन चीजों की जानकारी नहीं मिल पाती। मुझे मुख्यमंत्री जी की इस पर आज भी डाउट है, अगर उनकी संज्ञान में ये बात आएंगी तो निश्चित रूप से वो एक्शन लेते हैं, और मुझे अभी भी उम्मीद है जो एविडेंस जो चीज़ें आई हैं वो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो इस पर एक्शन लेते हुए इसकी पूरी जांच कराएंगे, और अगर ये दोषी हो तो इसको सजा दिलाने का काम करेंगे, ऐसी उम्मीद पूरा हरियाणा प्रदेश मनोहर लाल जी को एक ईमानदार मुख्यमंत्री मानता है, और उनकी ईमानदारी इस बात पर ये सबूत भी होगी अगर वाकई में ही उन्होंने इन पर
मनीष ग्रोवर पे कार्रवाई करी तो मैं निश्चित रूप से कहता हूँ ये एक इतना बड़ा हरियाणा प्रदेशवासियों को उनका मुख्यमंत्री जी का एक संदेश होगा कि वाकई में ही चाहे कोई मेरा सगा भी हो अगर कोई चोर करप्ट और भ्रष्ट है तो उसको छोड़ेंगे नहीं। और मैं तो आज जिस प्रकार से ये मुद्दे मैंने उठाए मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी के पच्चनों पे चलकर उनका जो जीरो टॉलरेंस जो करप्शन का जो चीज़ है उस पे मुद्दे पे चलते हुए मैंने ये आवाज़ उठाई है। मेरे को इससे कुछ लेना देना थोड़ा ना, लेकिन मैं भारत का हरियाणा प्रदेश का नागरिक हूँ और लोगों ने मुझे वो दायित्व दिया है लोगों की आवाज़ बनकर उनके हकों की और भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ उठाना ये मेरा नैतिक फर्ज और दायित्व बनता है उसके अनुरूप ही मैंने ये काम किया है। मेरा एक बात और बताना चाहता हूँ मेरा मनीष ग्रोवर का कोई राजनीतिक दबेश नहीं है वो रोहतक से विधायक है मैं मैम से हूँ मेरा उसका कोई लेकिन गलत काम अगर हरियाणा प्रदेश में किसी ने भी किया होगा या कोई करेगा तो बलराज कुंडू उसके खिलाफ 100% आवाज़ उठाएगा और उसके लिए पूरी तय तक लड़ाई लड़ेगा। कुंडू साहब एक अहम सवाल है जी सोच समझ के जवाब दीजिए जी और ये मेरा नहीं है उन्हीं का सवाल है जी 5 साल जी आप बीजेपी में रहे जी और संघ के सदस्य थे जी बीजेपी के और बीजेपी में प्रधानमंत्री से लेके और राष्ट्रपति से लेके छोटे से कार्यकर्ता की समान बराबर समान माना जाता है ये सब का तो पहले मैं बता रहा हूँ ठीक है पहले 5 साल संघ में रहते हुए आपने ये आवाज क्यों मैं बता रहा हूँ मैंने तो पहले भी इसको चोर कहा है लेकिन मेरी बोतरी है यहाँ का अब इसको मुख्यमंत्री जितनी पावरें थी मैं तो हमेशा से इग्नोर रहा हूँ यहाँ पे मैं एज ए चेयरमैन बना तो अपने दम पर अपनी काबिलियत पर बना था मेरे साथ पार्षद थे मुझे तो ये बनाना ही नहीं चाहते थे मेरे सामने तो हमेशा रोड़े अटकाए गए हैं जिस बात पहले क्यों मैं तो 4 साल पहले भी बोला था ये बातें आप रिकॉर्ड है सारी चीज़ें देखें उसी का खामियाजा ये एक मेरी टिकट काटी गई जिसकी आप बात कर रहे हो संघ के उसका मेरी इस सच्चाई की आवाज़ की वजह से ही पूरा भाजपा और पूरा संगठन जानता था बलराज कुंडू एक तरफा जीतेगा टिकट दें लेकिन सिर्फ टिकट कटने का एकमात्र यही कारण बार बार उसको चला गया कि मैंने इसके खिलाफ आवाज़ उठाई थी कि वो भाईचारा तोड़कर वो जहर घोलने का काम मनीष ग्रोवर ने किया है इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए और उन 30 बच्चों की जो कैजुअल्टी हुई थी उसका रिस्पॉन्सिबल है ये इसको तो सरेआम चौक पर खड़ा होकर फांसी दे देनी चाहिए इसने इतना बड़ा पुकरिया दो और उसके अलावा इसने जो हत्या की है भाईचारे की हत्या की है जो हरियाणा प्रदेश का भाईचारा सबसे बड़ा एक पहचान होती थी हरियाणा प्रदेश में हर दुख में यहाँ कोई जात पात होती नहीं थी एक थाली में रोटी खाते हैं मेरे यहाँ पे हरियाणा प्रदेश उसमें जहर घोलने का काम किया इस इंसान और लूट का सामान आप पिछला रिकॉर्ड देखिए इसका PSO जो उस लूट में उसका बच्चा था उसके घर में कितना भारी संख्या में सामान पाया गया था कितने लोग जो पकड़े गए थे जिन्होंने जो इसकी टीम के सदस्य जिनकी फोटो सोशल मीडिया पे वायरल हुई थी जिन्होंने ये काम आग लगाने का काम किया था किस प्रकार से इसने प्रभाव से जहाँ पहली चिंगारी भड़की थी हॉस्टल में उस पुलिस को भेज कर कितनी बेरहमी से उन कॉलेज के बच्चों को इसने पिटवाने और मारने का काम किया था जो पहली चिंगारी भड़काने का काम किया था सब इसी का हाथ तो है कोई उसके ऊपर उसको जाँच तो करे मैं दावा करता हूँ मैं राजनीति छोड़ दूँगा ना सरेआम अपने आप को गोली मार लूँ अगर ये दोषी नहीं होगा तो मेरा काम दोषी और करप्ट और घटी गलत आदमी के खिलाफ आवाज़ उठाना है मैं इसमें राजनीति नहीं करना चाहता लेकिन जिसने जो दोषी है दोषी को सजा मिले भ्रष्टाचार पे लगाम लगे यही उद्देश्य है मेरा और इसमें मैं आप सब से भी अपील करता हूँ मीडिया के साथियों से इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा उठाकर इस बात को आगे पहुँचाने का लोगों के बीच में ले जाने का काम करें ताकि ऐसे लोग आने वाले टाइम में सावधान हों और मैं तो ये भी कहता हूँ आज कहाँ हैं वो नेता जो बड़ी बड़ी बात जाटों के नाम पर राजनीति करते आज क्यों नहीं इस बात में मेरे साथ खड़े हो रहे अगर मैं कह जो कह रहा हूँ वो सच कह रहा हूँ क्योंकि वो सब चोर हैं उनकी दाल में काला है उनमें बोलने की हिम्मत नहीं वो लोगों को सिर्फ बहलाने का काम करते हैं बरगलाने का काम करते हैं उनको इमोशनल ब्लैकमेलिंग करके उनकी टिकट लेकर अपनी राजनीति रोटियां सेकने का काम करते हैं उनको जनता से कोई मतलब नहीं है लेकिन बलराज कुंडू राजनीति में सेवा करने आया है और जनता की आवाज़ बनकर भ्रष्टाचार और गलत काम के खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए आया है उसके लिए आखिरी दम तक लड़ूंगा मैं। कुंडू साहब जी उन्होंने कहा है समर्थन वापस लेना आपका खुद का फैसला हो सकता है जी मैं जाँच के लिए तैयार हूँ क्या जी करें ना जांच मेरे सामने बैठ के जवाब दे और जांच क्या जांच तो मैं करवा के छोड़ूंगा गलत के खिलाफ सर एक क्वेश्चन और जोड़ देता हूँ जी उससे पहले भी एक नेता था शायद मुझे नाम याद नहीं है
उन्होंने संसद में भी आवाज़ उठा सके हैं इस मामले को लेके और दूर तक जा चुके हैं, लेकिन वहाँ भी कुछ नहीं मिला उनके बारे में। तो अब दोबारा आप ऐसे कहें, मैं इसकी आवाज़ उठाऊंगा। आज मैं खुद सामर्थ्य नहीं हूँ, अगर मैं सरकार में होता सरकार का तो मैं अपने हाथों से ऑर्डर करके इसकी आज ही जाँच करवाता, लेकिन अगर मेरी आवाज़ नहीं सुनी तो मैं इसके खिलाफ कोर्ट में भी जाऊँगा, सारी अपीलें करूँगा। मैं चुप बैठने वाला नहीं हूँ। कुंडू साहब, एक बात मैं आपसे जानना चाहूँगा जी, आप एक बहुत गर्म दल के, जैसे बीजेपी में जो नेता है अनिल विज जी, उसी कैटेगरी में आप गिने जाते हैं, मुझे गर्म दल के और साफ सुथरे एक्शन लेने वाले। मैं आपको बताता हूँ, मुझे उम्मीद अनिल विज से ज़्यादा है। जो मैं आज मैं आपको कह रहा हूँ, मैंने पहले भी अपनी सीवी में, मैं जितनी चोर बाजारी यूएलबी डिपार्टमेंट में मनीष करोर ने इसकी जुंडली ने मिलकर जो की है, उसकी सारा काला कारनामा चिट्ठा मैं अनिल विज जी को जो है ना बहुत जल्द देने वाला हूँ। इनकी पर्सनल मिलने वाली, पर्सनल मिलकर रिटर्न में पूरे उसके साथ में देने वाला हूँ। और मुझे उम्मीद है कि माननीय अनिल विज जी, आज उनके ऊपर एक भरोसा है, पूरी पार्टी को भी उसे पूरे देता हूँ। मैं उनका सम्मान करता हूँ दिल से, और आज मैं इस बात का दावा करता हूँ, बातों में तो बहुत कोई, लेकिन अगर प्रैक्टिकल रूप से वाकई में ही कोई नेता जो बोल्ड और ईमानदार और जो क्विक डिसीजन लेने वाला नेता है, तो अनिल विज जी, मैं उनको सलूट करता हूं। और मैं भी निश्चित रूप से अनिल विज जी के कदमों पर चलते हुए इस बात को, इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ूंगा। और अनिल विज जी से मुझे बड़ी उम्मीद है, क्योंकि ये वो डिपार्टमेंट, वो विभाग उनके पास है, गृह मंत्रालय भी उनके पास है, पुलिस की वेरिफिकेशन इंक्वायरी करने का सारा उनके पास है। तो मैं उम्मीद करता हूँ जो जो ये मुद्दे मैं उनके पास लेके जा रहा हूँ, उसका बहुत जल्द वो निवारण करेंगे, इसके ऊपर तुरंत एक्शन लेंगे, क्योंकि उनके अंदर कैपेबिलिटी और काबिलियत है, उनकी नीयत साफ है। तो अनिल विज जी से मैं इसी वीक में जल्दी मिलने वाला हूँ, और इस बात की मैं पूरी रिपोर्ट उनको सौंप। उन सब एक बात जानना चाहूँगा जी, बीजेपी बोलती है हम साफ सुथरी पार्टी है, कोई परेशान नहीं है, आपको क्या लगता है, आप जैसे जो काबिल नेता है जो कुछ करना चाहते हैं समाज के लिए, काफ़ी ऐसे नेता हैं बीजेपी के अंदर जो चुपचाप हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं, उनके पास कोई मंत्रालय नहीं है, उनके पास कोई पद नहीं है, खाली एमएलए नाम का ठप्पा लगा दिया गया, वो काम करना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे बहुत से ऐसे नेता हैं जो डिजर्व नहीं करते वो उन चीज़ों को, और वो उनके पास अवेलेबल हैं, वो खाली खाना पूर्ति ही चल रही है कई जगह से, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे। आप क्या कहेंगे इस टिप्पणी में, क्या वास्तव में ही सही न्याय हुआ है, सही निर्णय हुआ है बीजेपी का, जैसे आपको पद बांटे गए थे उस समय मंत्रालय? देखिए ऐसा है, ये अपना अपना नसीब भी होता है, मैं किसी को जिसको मिला है शायद वो उसका नसीब हो सकता है, और किसी के नसीब में लिखी कोई चीज़ को कोई छीन नहीं सकता, ठीक है ना। तो मेरा ये भी मानना है, रही बात, देखिए बिल्कुल बैलेंस तो भगवान के घर में भी नहीं होता, वहाँ भी थोड़ा बहुत चलता है, ये तो जो है ना इंसानों की परंपरा है, हो सकता है यहाँ कहीं कोई रही हो, लेकिन मेरा एक मानना है, इंसान की नीयत अगर साफ है और ईमानदारी से जिन लोगों ने चुन के उनको वहाँ भेजा है वो उनके लिए कुछ करना चाहता है, तो पद के बगैर भी कर सकता है, क्योंकि अगर रियल से वाकई सच्ची नीयत से और जो जायज़ और वाजिब हक उसके हल्के के जनता के होंगे, उसको रोकने का मेरे ख्याल कोई मना नहीं करेगा, कोई मंत्री या मुख्यमंत्री उन चीज़ों को मना नहीं करेगा, वो विकास के काम पक्का निश्चित रूप से होंगे, बस बसरते यही है उनको करवाने में उनकी कितनी सच्ची नीयत और सोच और उसके प्रति एक दायित्व समझते हैं, ये उस पर निर्भर करता है। कुंडू साहब, एक बात और बोली आपने जी कल प्रेस वार्ता में जी, पहले से भी ज़्यादा भ्रष्टाचार हो रहा है और खुलेआम हो रहा है, इस बात को मैं फिर कहता हूँ, ये बोला गया है, भाषण दिए गए हैं, मुख्यमंत्री जी का प्रयास हुआ है, लेकिन धरातल पे भ्रष्टाचार पहले से भी बड़ा हुआ है। आज मैं इस बात का आपको एक विशेष एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ कि उस टेरर ने उस भ्रष्टाचार के जो वो थे भाव थे वो बढ़ा दिए। पहले जो काम 2 रुपए में होता था भ्रष्टाचार के नाम से, वो काम 5 रुपए में होने लग गया, ये जरूर फर्क हुआ है, उसका प्रमोशन हो गया है, सब वही जुंडली वही काम कर रही है, उसमें भ्रष्टाचार पर कोई लगाम नहीं है। और यही मैं आपको बताता हूँ, ये इर्द गिर्द घूमने वाले जो नेता थे जो मुख्यमंत्री जी को गलत बरगलाते रहे, उनको खुश करते रहे, आज ये मैं तो पहले देखता था कई मीटिंगों में थे, जो चम्मचबार नेता थे जो इस प्रकार का अपने आप को मुख्यमंत्री जी को खुश करने के लिए उनके जयकारे लगाते थे, ये कम हो गया जी, ये उस पर लगाम लगा दी, वो टोटली
उनकी आंखों पे, मुख्यमंत्री जी की आंखों पे पट्टी बांधने वाला काम करते थे, उनको सच्चाई दर्शाने वाले नहीं थे। उसी अनभिज्ञता की वजह से, उनको सारी चीज़ों की जानकारी ना होने की वजह से आज भ्रष्टाचार चरम सीमा पे, इसमें कोई दो राय नहीं। उन्होंने साहब डर नहीं लगता कभी बीच में बाहर निकाल देगी, इतनी तीखे तेवर आपके, बहुत हैवी बगावती है। मुझे बीजेपी ने कुछ नहीं दिया, जो कुछ किया मैंने पिछले 5 साल भी अपने दम पर, बीजेपी का माननीय मुख्यमंत्री जी का, मनोहर लाल जी का, नरेंद्र मोदी जी का, अमित शाह जी का झंडा फैलाया है मैंने। मैंने हर जन कल्याण के कार्य जो मेरे से हुए हैं बीजेपी के झंडे के नीचे किए हैं। मेरे को बीजेपी ने कुछ नहीं दिया। मैं जिला परिषद का चेयरमैन बना, अपने दम पर बना था। बीजेपी के नेता जितने यहाँ के थे सब मेरे खिलाफ थे। अब जो है टिकट, मेरी टिकट नहीं दी गई मुझे। मैं अपने दम पर, लोगों के आशीर्वाद से, महम की जनता का मेरे ऊपर है, मेरे ऊपर जो कर्ज है मैम के लोगों ने बनाया मुझे, बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दिया। आज मैं निर्दल मैम के जनता का निर्दलीय विधायक हूँ, बीजेपी ने मुझे कुछ नहीं दे रखा। मेरी आस्था जरूर है नरेंद्र मोदी जी में, खट्टर साहब में, अमित शाह के। मैं कई बार हैरान होता हूँ, मैं सलाम करता हूँ हमारे देश के गृह मंत्री को, जिन्होंने CAA के प्रति जो उन्होंने आज उनका स्टेटमेंट था कि इंच भी पीछे नहीं। मैंने तो आज से 20 दिन पहले उनकी स्टेटमेंट में मैं सलाम करता हूँ। CAA कोई हरियाणा, भारत देश कोई धर्मशाला नहीं है। कोई भी आगे इसमें बस जाए, यहाँ रहने लग जाए, कानून होता है यहाँ। जो लोग विदेशों से आके हमारे टुकड़ों में पलते हैं, वो हमारे उगाली देकर हमारे देश के खिलाफ गद्दारी और दूसरे देश का जयकारा, उनको निश्चित रूप से यहाँ से भगा देना चाहिए। और ये नागरिक CAA का मतलब जो ये बिल है, ये वास्तव में जो हिंदुस्तान का नागरिक हो उसको आइडेंटिफाई कर उसको एक पूरा लेबल लगे, ये आप हिंदुस्तान के नागरिक हो, उसका रजिस्ट्रेशन करने के लिए है। ये किसी को, जो हमारे मोमडन भाई हैं, सिर्फ ये यहाँ की राजनीति ने, कांग्रेस के लोगों ने, दूसरे जो पार्टी के लोगों ने इसको एक हवा बनाया है। CAA एक कानून देश में, हर देश में होना चाहिए, हर देश में है। हमारा देश ऐसा है, किसी देश का कोई भी आगे जो है यहाँ धर्मशाला बना रखी है, यहाँ आ जो हमारे ऊपर सर पर बैठता है और हमारे को कल को गाली देता है, और अब दूसरे देश का, जिस देश ने उसको भगाया है, उसके जयकारे लगाते हैं। तो निश्चित रूप से मैं इसके पक्ष में हूँ। और मैं सिर्फ नरेंद्र मोदी जी, खट्टर साहब और अमित शाह जी के इस रणनीति को और उनकी कार्यशैली को देख के भाजपा के पुष्प में था। बाकी भाजपा ने मुझे, मैं उनकी ईमानदारी से, उनकी जिस प्रकार से कद बढ़ा है हिंदुस्तान का विश्व स्तर पर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, मैं उनकी कायल होकर इसमें हूँ। बाकी भारतीय जनता पार्टी में मुझे कुछ, मैं तो बाहर ही हूँ, मेरे को क्या डर, क्या निकाल लेंगे मेरे को, देश से निकाल लेंगे। मैं हिंदुस्तान का नागरिक हूँ, हरियाणा प्रदेश का नागरिक हूँ और मैं का विधायक हूँ, इससे मुझे कोई नहीं हटा सकता, रोक सकता। मुझे डरने की ज़रूरत नहीं। अगर मैं डरता था इतना ये बयान देने का, क्योंकि मैं बेदाग पाक साफ हूँ, इसलिए सारी चीज़ों के खिलाफ नहीं। तो जो काम यहाँ के जो नेता बने फिरते हैं, जो अपने आप को हमारे कास्ट जाट का नेता कहते हैं, जाटों के नाम पर वोट ली है अपना नेता करके, वो क्यों नहीं बोल रहे? अब भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे? उनके खिलाफ जिसने जो है ना ये इतना बड़ा दंगा खड़ा कर, इतने बच्चों की जो जाने गई, उसके खिलाफ क्यों नहीं बोल रहे वो जो ना? और मलिक जैसा एक गुंडा बदमाश आ गया, जो यहाँ से लूट के ले गया हमारे लोगों की भावनाओं के साथ खेलकर, आज मैं उसको रास्ता दिखाने, लोगों को रास्ता दिखाने के लिए आया हूँ। ऐसे लोगों को छित्र मारो, और जो वाक्य में ही जिन्होंने अन्याय किया है, ये इतना बड़ा काम हमारा जातिगत में जहर घोलने का काम किया, उसके खिलाफ आवाज़ उठाओ। और मैं इसके खिलाफ खाली ये नहीं, मैं इसके खिलाफ पूरा एजिटेशन चलाऊंगा, मैं ये भी बता रहा हूँ आपको। टुंडू साहब जी, कहीं ये बगावती सुर गौतम रामकुमार ने कुछ ऐसा अपनाया था? कभी ऐसा कर रहे हैं अभी जनवरी में मंत्रालय मिलने, कभी ऐसा तो नहीं है? मैं आपको हाउ लड़कर और मंत्रालय दो, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। जिस दिन ओथ हो रही थी, मंत्रियों की ओथ थी, मैं TV के माध्यम से बोल रहा हूँ, मुख्यमंत्री जी से पूछ लेना। मुख्यमंत्री जी ने मुझे बुलाया था, और मैं उससे पहले भी मुख्यमंत्री जी को 4-5 बारी मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने कहा था, मैं तो मेरे हलके का विकास ही मेरा सबसे बड़ा पद है, मेरे हलके का विकास होना चाहिए। जो डिमांड, जो काम, जो जायज़ काम मिले, मेरा पर्सनल व्यक्तिगत कोई काम नहीं हुआ, वो काम होने चाहिए। मुझे इस लाभ लो, जो ये पद, जो लोग गाड़ी घोड़ा कोटी, उससे ज़्यादा तो भगवान ने मेरे को दे रखा है। मैं उससे ज़्यादा ऐसे आराम से रहता हूँ, उससे ज़्यादा बढ़िया गाड़ी घोड़े मकानों में रहता हूँ। तो मेरा एक एजेंडा था, मुझे उस दिन मुख्यमंत्री जी ने बुलाया था, और मेरे को उन्होंने कहा था, एक बार दोबारा सोच लो, मैं बड़ा हूँ, और बड़ा होने के नाते आपको सलाह देता हूँ, जो भी चेयरमैन ही
लोगों को तो वैसे मेरे को तो ये बोला था जो चेयरमैन ही आपको चाहिए वो बता दो, वो चेयरमैन बना देते हैं आपको। मैंने कहा चेयरमैन ही तो मैं छोड़ के आया हूँ, मेरे हलके का विकास ही मेरा सबसे बड़ा है। मैं तो आप मेरे हलके के सारे काम करना, अपने आप को मुख्यमंत्री मान लूँगा मैं तो, आप मुख्यमंत्री हो तो। ये बात तो जो है ना राजनीति में, पहले जब मैंने ये बस चलाई तब ये कहते थे MLA बनने के लिए बस चला रखी है, ये काम कर रहा है MLA बनने के लिए कर रहा है। मैं 10 बसें और लेके आ रहा हूँ, अभी MLA बन गया, अब तो मैं बन गया ना MLA, मैं 10 बसें और लेके आ रहा हूँ इस साल में, पूरे मैं मेरे रोहतक जिले के अंदर चलाऊंगा, उसके बाद मैं पूरे प्रदेश का टारगेट होगा मेरा। अब इस बात के लिए कहेंगे राजनीति लोग कुछ ना कुछ तो बातें करेंगे, उनको रोक थोड़ा ना सकते हैं, क्योंकि उनके मन में काला है, मेरे खिलाफ कुछ बोल नहीं सकते। आज वो मेरे से सवाल पूछता है, मैंने तो कोई पद का लोभ किसी प्रकार का नहीं लिया, मैंने उससे सवाल पे उस बात का देना, और मेरी सुनो बात तो जांच की तो बाद की बात है, मेरे सामने बैठा के 2 बातों का जवाब दे दो, मैं आज ही उसके सामने डिबेट पर बैठने को तैयार हूँ। अगर 1 बात का भी जवाब दे देगा मैं राजनीति छोड़ दूंगा। जल्दी कोशिश होगी, डिबेट भी करवाएंगे आपकी जहां तक हमारा संभव हो सके। मेरे सामने बिठाइए उसको, वो चोर मेरे सामने 1 मिनट के लिए टिक नहीं सकता, क्योंकि जितने इतनी बड़े डाके डाल रखे हैं। अभी तो मैं अगले सप्ताह और बहुत सारे डॉक्यूमेंट लेके आ रहा हूँ, ये तो छोटी छोटी बातें बताई हैं मैंने, बड़े घपले तो मैं भी और लेके आऊंगा अगले हफ्ते, भी एविडेंस आ रहा हूँ आप लोगों के बीच में, आप लोगों के बीच में लेके आ रहा हूँ। अभी मेरा शुरू हुई है, तो ये लड़ाई अभी शुरू हुई है, खत्म थोड़ी ना हुई है, अभी शुरुआत, अभी तो शुरुआत, आगे आगे देखो क्या होता है। यानी कि फिल्म का अभी ट्रेलर है, ट्रेलर, यस 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 यस। उन सब एक बात आखिर में जानना चाहूंगा जी, कहीं उड्ढा से नजदीक या तो नहीं हो रही धीरे धीरे आपकी इस तरीके से? देखिए ऐसा है, मैंने कभी किसी के नीचे लगना नहीं सीखा, समझे आप, हुड्डा साहब को मैं नेता ही नहीं मानता। हुड्डा साहब ये है कि मेरे व्यक्तिगत संबंध, यहाँ वो हमारे शहर के हैं, सीनियर हैं, उम्र में बड़े हैं, मेरे खानदान में किसी ने आज तक ना कांग्रेस की वोट दी और ना आगे कोई दे, ठीक है, व्यक्तिगत संबंध की बात है। अभय सिंह चौटाला मेरे बड़े भाई मानता हूँ, मेरे बहुत अच्छे संबंध हैं, अजय सिंह चौटाला से मेरे आज से नहीं बहुत पुराने संबंध, बड़े भाई की तरह मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ, हुड्डा साहब से अच्छे संबंध हैं। तो मेरा कहने का मतलब है, हर पार्टी इस बात का गलत मतलब निकालना, दीपेंद्र बहुत अच्छा लड़का है, एक अच्छी छवि का है, ईमानदार है, बहुत हमारे यहाँ का युवा चेहरा है, दुष्यंत बहुत अच्छा चेहरा है, युवा विजन है, पढ़ा लिखा है, उसके अंदर सोच है, इन बातों का मतलब राजनीतिक तौर पे क्या लगाया जाता है उसका तो मैं कुछ जवाब नहीं दे सकता, उनकी सोच को कैसे बदल सकता हूँ। लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, भूपेंद्र सिंह हुड्डा या उसके किसी आदमी से अगर आप एक भी मेरे को प्रूव कर दो कि मेरे से टेलीफोन पर या कोई पूछो, भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के घर पे मैं गया था जिस दिन उनके भाई की डेथ हुई थी गोड्डा मोड़ में, वो एक सामाजिक उस बंधन, उसमें सब लोग गए थे हर पार्टी के। उसके अलावा शिवाय विधानसभा में 2 बार सदन लगाया, वहाँ आमना सामना होने के बाद अगर कोई भी आदमी ये बता दे कि जाना तो उनकी उनकी उसमें टेरिटरी के अगर 100 गज दायरे में भी कभी बलराज कुंडू अगर मिल जाए या उनसे वार्तालाप किसी पर जाए तो आप मुझे बता देना, उस दिन के बाद मैं आपको बलराज कुंडू को भी टेलीविजन अखबारों में नजर नहीं आएगा। रही बात बलराज कुंडू का स्टाइल निराला, शेर अकेला ही चलता है, कोई उसमें नहीं चलता कभी भी झुंड के अंदर, मैं मैम का विधायक हूँ और मैम के विधायक को डायलॉग है सलमान खान जी का, सुअर आते हैं। देखिए मैं ऐसा शब्द तो नहीं यूज करूंगा, और शेर अकेला आता है, अकेला ही चलता है शेर, और मैं महम का विधायक हूँ और महम का विधायक अपने आप में एक शेर होता है, उसी को चुनती है महम की जनता। और आगे आगे अभी मैं आपको बता रहा हूँ, अभी तो ये शुरुआत है, अभी मंत्री जी महोदय को, पूर्व मंत्री को, उसके होश ठिकाने, जिस आदमी आज भी इतने गुरूर में रहता है कि रोहतक का मेयर साइड में हाथ पे हाथ रखे बैठा है और वो बड़ा परना लगा के तिलक लगा के जनू ये आज नारियल फोड़ रहे हैं, कितना बड़ा दुर्भाग्य है उस पद की गरिमा के साथ में, जो मेयर इसकी गरिमा मंत्री के बराबर होती है और वो जो आदमी नकारा हुआ, जनता का नकारा हुआ आदमी नारियल तोड़ कर वो मेयर ताली बजाने में खड़ा कर रखा है उसने, ये अहंकार घमंड, वो अपने आप का गुंडे बदमाशों को लेके घूमता था, कोई पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है, सरेआम मीडिया में दिखा रखा है किस प्रकार से जो एक हिस्ट्री शीटर जो डॉन उनको लेके किस प्रकार बूथों पे घूमना किस प्रकार से हो रहा है, और आज उसके खिलाफ कोई वो नहीं, उसका दिमाग इतने सातवें आसमान पर है कि यहाँ ये हरियाणा प्रदेश की इतना टेरर तो कभी मैं आपको चौटाला बंधुओं का होता था जब चौटाला सरकार थी,
ये तो उनसे भी कई चीजें आगे जब लांग चुका है, उनको तो ये कह के कि ये जाट हैं, दबंग हैं, बदमाश हैं, उनको तो इसलिए बदनाम कर दिया गया था, और ये उनसे उनको कभी बदमाशों के साथ घूमते हुए बंदूक लेकर नहीं देखा होगा, ये तो सरेआम वेपन के साथ में उन बदमाशों को लेकर घूमता है, उनको सरकारी वो मुहैया करा रखे हैं, सिक्योरिटी गार्ड दे रखे हैं। इससे बड़ी आज हर आदमी की रोहतक शहर के अंदर एक टेरर बैठा रखा है इसके सामने, किसी की बोलने की हिम्मत नहीं है। यहाँ जितने जो उस टाइप के सबके खिलाफ केस बनवा कर अपने उनको चेले बनाने का काम किया उनको इसने, लेकिन अब वक्त बदल गया है। पहले हम कहीं और थे, आज हम जनता की आवाज़ हैं। हम इस बात को छोड़ेंगे नहीं, बख्शेंगे नहीं। ये रोहतक शहर से जो टेरर बना रखा है उसको ख़त्म करके छोड़ूंगा। कुंडू साहब, हमारे साथ बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद आपका। थैंक यू लांबा साहब, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये बल्लाज कुंडू, बेबाक बोलते हैं, दिल खोल के बोलते हैं जो भी बोलते हैं। तो मैं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी प्रिंस लांबा के साथ, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज 24, जहां हर खबर मिले सच के साथ।